धन गुरु नानक पातशाह जी दे नवाजे गुरु जी दे दुलारे होए बहुत अदबी गुरसिखो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। असीं देख रहे सी गुरदेव जी दीआं रहमतां दा पै रिहा मीह, बड़ियां जिम्मेवारियां बड़े फर्जां दी सहज नाल अदायगी। सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते उन्हां दे सत्कारयोग वड्डे भैन जी बेबे नानकी जी, उन्हां दे आदरयोग जीजा जी जीजा जयराम जी, दोनों संसार दी यात्रा पूरी कर गए। गुरुदेव जी ने बहुत सहज विच उन्हां दे शरीरां दी संभाल कीती, समाज नूं इस समें दे उत्ते किस अवस्था च रहना चाहीदा है, मनुखी तन्नां दे तुर विच रूहां दा निकल जाण तों बाद उन्हां तन्नां दी संभाल बिना किसी मजहबी अडंबर दे रब दे भाओ ते भाओ विच रह के किवें करनी चाहीदी है, ये सारा कुछ गुरदेव जी ने हत्थी करके उस वक्त दे समाज दे सामने एक मार्गदर्शन जिहड़ा है वह कीता है। जितना दा किसी मत नाल बंदे दा संबंध हुंदा है उस तरह दियां जिहड़ियां परंपरावां सदियां तो उसर जांदियां ने उन्हां दा समाज मुथाज हो जांदा है, गुलाम हो जांदा है। फिर उन्हां मर्यादावां नूं पालना मनुख अपना धर्म मन लैंदा है, ते जे कोई ना पाले उन्हूं हाकी भी कहिंदे ने ते बागी भी कहिंदे ने। हुण गुरदेव सच्चे पातशाह गुरु नानक साहिब जी, क्योंकि उन्हां दा जीवन किसे मजहबी मर्यादा का पाबंद नहीं है, वो अकाल पुरखी मर्यादा के मतहत जिंदगी जीव रहे हैं, उन्होंने किसी मजहब की मर्यादा का जरा विधि विधान है लागू नहीं है। उत्थे आप संसार में अकाली जड़ी माण मर्यादा है, अकाली हुक्म की जड़ी मर्यादा है, उन्हों वो जीते ने उस मर्यादा ने ही गुरु नानक जी अपने द्वारा उदे अमल का प्रगटा करके समाज के अंदर एक चेतना उन्हों खड़िया कर दे, ताकि समाज हर मौके दे उत्ते अपने आपे नूं बहुत सहज विच रह के हर दुख नूं सुख नूं माण सके, हंडा सके, उदे चों अपने आपे नूं उभार के बाहर कर सके। सो गुरदेव जी ने इत्थे जदों अपने सत्कारयोग भैन जी बेबे नानकी जी ते अपने आदरयोग भाइया जीजा जयराम जी दी से शरीरां दी संभाल कीती, उन्हें उस समय समाज के सामने नवें हिदसे लिखे, नवें पूरने पाए, उन्हां इस्लामिक शरण दी पाबंदी वाली रही, ना हिंदू मत दी माण मर्यादा वाली रही। वो जिहड़ी विधि विधान गुरदेव जी ने सिरजिया वह गुरमर्यादा का एक रूप बन गया, वह गुरमर्यादा का एक हरफ हो गया, जिस हरफ नूं गुरु नानक जी दी उम्मतां ने समझना भी है, पालना भी सी, अपनाना भी सी। क्योंकि एक सवाल खड़ा हो जाता है कि गुरु नानक जी किसी मत दे अनुयाई नहीं हन, तो वह जिहड़ा ज्ञान परोस रहे ने वह अकाल पुरखी ज्ञान है, तो जिहड़े हुण गुरु नानक जी दे अनुयाई बन गए उन्हां उत्ते किहड़े मत मतांतर की मर्यादा लागू होएगी, तो उहदा उत्तर तक तो मिलना ही चाहिए। तो उत्तर गुरु नानक जी तो बेहतरीन सानूं कोई दे नहीं सकते,
ते गुरदेव जी अपनी जिंदगी दे वख वख वरतारियां दे मौके ते अपने निभाए गए फर्जां दे विचों सानू इन्हां सवालां दे उत्तर दिंदे ने, वो बख्श रहे ने। हुण असी आप इस गल नू तलाशना ते खोजना, आपां नू एक ते वी दो दुनी चार वांग कोई अंकत कीते हुए अक्खर नहीं मिलणगे। असी ते उन्हां वाकियात दे विचों जो गुरदेव जी दे प्रगटावे ने, जो उन्हां वल्लों पाए गए पूरने ने, उन्हां पूरनियां पढ़ना है, उन्हां वाए गए पूरनियां नू समझना है। समझ के उहदे विचों नवें पात्र सिरजे जा रहे ने, गुरु नानक जी दे अपनी सिक्ख्या दे अनुकूल पात्र जिहड़े ने, उन्हां पात्रां दी पात्रता दे विचों ही अगली मर्यादा दे असीं लक्षण जिहड़े ने उह देखणे ने। सो गुरदेव जी ने इत्थे एक नवीं उह मर्यादा स्थापित कीती है जिहड़ी गुरु नानक जी दे सिख लई मर्यादा है। संसार जदों सिख बन जाएगा उस मर्यादा का पाबंद हो जाएगा। हुण जिहड़े ये कहिंदे ने कि असीं गुरु दे हाँ, गुरु नानक जी दे हाँ, उन्हां दे लई गुरदेव जी ने इस मौके ते नवें पूरने पा के उन्हां नूं इह सेध ते समझ दित्ती है कि भलिओ आओ, आपां परंपरावादी नहीं हाँ, आपां अडंबरवादी नहीं हाँ, असीं प्राणियां ते बोधियां हो गईयां दकनां नूह चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हां दा पिछलग जिहड़ा बिल्कुल नहीं बनाउणा। सो गुरदेव जी ने इत्थे नवें पूरने पाए ते नवें पूरने पा के समाज दा मार्गदर्शन कीता। ते मार्गदर्शन करन तों बाद गुरु नानक सच्चे पातशाह सुल्तानपुर लोधी दी धरती तों चलदे ने, ते चल के कित्थे आउंदे ने, उस धरती ते आउंदे ने जिस धरती ते आउण तों बाद उन्हां दा संबंध संसार नाल बणदा है। भाव वो धरती जिस धरती नूं असीं बहुत अदब नाल तलवंडी राय भोए दी कह के अपनी सुरतां दा हिस्सा बनाउंदे हां, उस नगरी विच गुरदेव जी आ जांदे ने। इस नगरी दे अंदर गुरदेव जी दा इत्थे जिहड़ा हुण जीवन दे पलां दा गुजरान है, ये अपने माता पिता जी दे कोल हो रहा है। माता पिता जी दी शरीरक अवस्था है ये भी बिरध हो गई है, उमरां बहुत टल गईयां ने, ते टलियां होईयां उमरां दे विच गुरदेव सच्चे पातशाह जी दा अपने माता पिता कोल आना, उन्हां दे नाल कुछ समां गुरदेव जी दा गुजारना, ये एक उन्हां दी जिम्मेवारी दा महत्वपूर्ण पक्ष। पिछे भी आपां देखिया उन्हां दे अपनी भैन जी कोल जाना, जीजा जी कोल जाना, उन्हां दे जिंदगी दे उस मौके नूं आप हत्थां दे नाल संभालना, जदों अकाल चलाना कर जांदे ने, देहां दी संभाल करनी ते मर्यादा दी स्थापना करनी, ते हुण अपने माता पिता जी कोल आ गए ने, ते माता पिता जी दे नाल उन्हां ने हुण कोई संवाद इत्थे कोई चर्चावां राय पूरी तलवंडी च होणगियां, उहदी चर्चा जिवें गुरु जी आपां नूं करवाणगे आपां करांगे। पुलां दे लई खेमा बख्शो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह।